भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के 50 साल पुराने मामले की सरकार सीबीआई जांच करा सकती है। बता दें कि यूपी के अंबेडकर नगर के एक बीजेपी कार्यकर्ता के पत्र पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इसी पत्र के आधार पर इलाहाबाद के रेलवे एसपी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट रेलवे के आईजी को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से जुड़ी एफआईआर के डायरी जैसे दस्तावेज लापता है। वहीं थाने में मिले एक रजिस्टर से पता चला है कि इस मामले में वाराणसी निवासी रामावध लालता और भरत नाम के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं भरत को जून 1969 में आईपीसी की धारा 379 के तहत 4 साल की सजा सुनाई थी, बाकी 2 बरी हो गए थे। दरअसल अंबेडकर नगर के पूर्व बीजेपी मंडल मंत्री राकेश गुप्ता ने 6 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा था। इसमें पटना जाते समय स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या को विरोधी दलों की साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हत्या के तार पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और बिहार से जुड़े होने की बात कही गई है। साथ ही पत्र में आरोप लगाया गया था कि हत्या के बाद ना कानूनी कार्रवाई का पालन किया गया और ना ही पोस्टमार्टम कराया गया था।